आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीना नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रीना एंड फैमिली ब्लॉग में। तो आज हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी सब्जी और दाल। तो मम्मी बना चुकी है और रितु तो शायद अपने नाना के साथ बाहर पता नहीं खेल रहा है और रितु के पापा नहा रहे हैं। तो चलो मैं नाश्ते वगैरह की तैयारी करती हूँ और अभी तक मैं कल की वीडियो एडिट करती हूँ क्योंकि कल रात को हम लोग थोड़ा मतलब टाइम लेट हो गया था तो मैं बना नहीं पाई एडिट नहीं कर पाई वीडियो। तो चलो मैं पहले रोटियां बना लेती हूँ उसके बाद रिद्धु के पापा के लिए ऑफिस के लिए लंच दूंगी। तो अभी रिद्धु के पापा भी ऑफिस चले गए और मम्मी यहाँ पे अभी खाना गर्म कर रही है क्योंकि अब हम लोग भी नाश्ता करेंगे। और पहले तो मैंने रिद्धु के पापा के लिए मैंने रोटियाँ बना दी, अब सबके लिए परवी ने रोटियाँ बना दी है। और अभी यहाँ पे हमारी चाची जी भी आ रही थी बैठ रहे यहाँ पे। अब पीछे टेबल पे पापा और रिद्धु बैठे हुए हैं वो खाना उनके अभी उनको नाश्ता देंगे। तो चलो हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद बाकी काम करेंगे घर। खा नाना को रोटी दे दे। थैंक यू। अब इसको बंद कर दे ठंडी होती है रोटियां, इसको बंद कर दे। दीजो आ कर आ कर आ आ कर आ आ मेरा लगेदार अभी ये पानी। यहाँ पे अभी रिद्धु को चाची जी खाना खिला रहे हैं और नखरे कर रहा है। क्यों कर रहे उल्टे काम, तूने सबको परेशान कर दिया। तुझसे कहाँ थे पापा? कहाँ है पापा? उसके पीछे हैं पापा। अब वो कौन है? वो कौन है वहाँ पे? छोने के लिए तो क्या चाहिए? डर तो क्या चाहिए सोने को। तो अभी हम लोग का दिन का खाना भी बन गया और हम सब तो आराम करने लग गए थे और मम्मी ने यहाँ तब तक खाना भी बना दिया। ठीक है, दाल बना रखी है और कड़ी बना रखा है, सब्जी और चावल। तो चलो हम लोग खाना खाते हैं और उसके बाद मम्मी भी दिन में आराम करेगी। अभी हम लोग के दिन का खाना भी हो गया है और परी उधर बर्तन धो रही है किचन में। तो मम्मी ने मुझे बोला छत से कपड़े लेके आ जा, तो मैं छत से कपड़े लेने जा रही हूँ और मम्मी रिद्धु के साथ उधर। तो चलो मैं कपड़े लेके आ जाती हूँ छत से। तो अभी हम लोग भी आराम कर रहे थे और उठ गए अभी और मम्मी ने चाय बनाई हुई थी तो मम्मी चाय लेके आई। यहाँ पे रिद्धु सो रखा है और पापा और मम्मी उधर चाय पी रहे हैं। पापा ने तो पी ली। तो मैं भी अभी अपने घर जाऊँगी और थोड़ी देर में रिद्धु को भी उठा के चाय वगैरह पीएंगे अपने आप को तैयार होके। तो अब मैं और रिद्धु भी घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं और रिद्धु ने यहाँ बिल्कुल मेरा बैग भी पहन लिया है और इसकी भी हमने नींद खराब कर दी है, सो रही थी। तो चलो मैं और रिद्धु चलते हैं अपने घर और आपको मिलती हूँ मैं सीधे। तो अभी मैं और रिद्धु घर पहुँच चुके हैं और अब मैं हाँ पापा और इसके पापा भी नहीं आए यही बोल रहा ना तू तो? पता नहीं क्यों देख रहा है ऐसे।
और अभी आज तो मैं अभी रात का खाना बनाऊंगी नहीं, क्योंकि आज हम लोगों को यहाँ बगल में किसी ने बर्थडे में इनवाइट किया है। कैसा होता है हैप्पी बर्थडे? तो आज रात का खाना भी उधर ही है। तो चलो, तो जब तक रिद्धु के पापा आते हैं तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ और रिद्धु को भी तैयार कर लेती हूँ। तैयार हो जाए, कपड़े पहनाओ तेरे को। अच्छा, हैप्पी बर्थडे बोलते एक बार। चलो फिर। तो यहाँ पे मैं और रिद्धु भी तैयार हो गए हैं, और रिद्धु के पापा भी थोड़ा देर में पहुँचने वाले हैं, तो फिर उनका वेट करते हैं। वो थोड़ी देर में आ जाएंगे तो हम लोग उनके साथ बर्थडे में चलते हैं। रिद्धु के पापा भी आ गए हैं, और रिद्धु तो सो गया था पापा का वेट करते करते। तो चलो अभी हम चलते हैं बर्थडे पार्टी में और डिनर वगैरह करके आते हैं। तो यहाँ पे रितु के पापा खाना खा रहे हैं और मैंने खाना खा लिया, भैया क्या बोल रहे, क्योंकि जब तो हम लोग बर्थडे पार्टी में गए तो तब तक केक कट हो चुका था, और चिनम का जी के ना पोते का बर्थडे था, तो हम लोग उनसे मिलने के बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया। रितु कब भाग रहा? तो हम लोग भी बर्थडे पार्टी से आ गए, और मैंने रिद्धू के कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पे रिद्धू के पापा फोन में लगे हुए हैं, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बोल दो।